पुलिस को आपने अक्सर चोर बदमाश और अपराधियों को पकड़ते देखा होगा, मगर आज हम जिस पुलिस पदाधिकारी के बारे में बताने जा रहे हैं वो न सिर्फ अपराध पर नियंत्रण करते हैं बल्कि सामाजिक रूप से एक प्रेमी जोड़े को भी एक करने में आगे रहते हैं। मामला है छपरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र का, जहां चोरी छिपे मिलते हुए एक प्रेमी जोड़े को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों पक्ष के परिजनों में सुलह कराते हुए थाना परिसर के मंदिर में शादी करा दी। घटना रविवार देर शाम की है, मगर वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस की इस पहल की लोग सराहना कर रहे हैं। बता दें कि प्रेमी परसा थाना क्षेत्र के चक शहबाज गांव निवासी गोविंद कुमार है, जबकि प्रेमिका खैरा थाना क्षेत्र के अरवा निवासी रेखा देवी है। रेखा पहले से तलाकशुदा है। इनके पास दो बच्ची भी है, जिसकी उम्र 6 साल और 3 साल है। बताया जाता है कि करीब 3 साल पहले ही रेखा का तलाक हुआ था। गोविंद के साथ 1 साल से इनका अफेयर चल रहा था। गोविंद ट्रैक्टर चलाता है। इनकी मुलाकात ट्रैक्टर चलाने के दौरान हुई थी। रेखा इस दौरान कहीं जा रही थी। दोनों एक दूसरे से मिले और फोन पर बातें करने लगे। करीब 1 साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। रविवार की दोपहर बाद प्रेमी प्रेमिका को ग्रामीणों ने मिलते हुए पकड़ लिया। इसके बाद दोनों को पकड़कर मुफस्सिल पुलिस को सौंप दिया। थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने दोनों पक्ष के परिजनों को बुलाया। पहल करते हुए दोनों की शादी थाना परिसर के मंदिर में करा दी। आसपास की महिलाएं और पुलिस कर्मियों ने मांगलिक तैयारी करते हुए विधि विधान से शादी संपन्न कराने में मदद की। थानाध्यक्ष विशाल आनंद के मुताबिक थाना क्षेत्र के ग्रामीणों ने प्रेमी प्रेमिका को पकड़ने की सूचना दी। इसके बाद दोनों को थाने लाया गया। प्रेमिका पहले से तलाकशुदा है। दोनों पक्ष की पहल पर थाना परिसर के मंदिर में शादी करा दी गई। लड़की लड़के के घर चली गई। दोनों गांव के प्रमुख लोगों के गवाही के बीच शादी हुई है। यह दो प्रेमी जोड़ों का विवाह का समारोह था। दोनों का विवाह हुआ है। रेखा नाम की लड़की है, गोविंद नाम का लड़का है। रेखा पूर्व के दो बच्चों की माँ है और गोविंद का उसे प्रेम प्रसंग चल रहा था। रेखा अपने पति से तलाक भी हो चुका है। दोनों बच्ची जो थी रेखा की उसका कोई ध्यान नहीं, दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच जो है मालूम चला कि ऐसी बात है, गांव वाला द्वारा इसे पकड़ कर दिया गया। दोनों की रजामंदी से इनकी विवाह बगल में मंदिर में।